नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ओनली वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका यदि मोबाइल खो जाता है या कोई चोरी हो जाता है तो आप तुरंत करें क्या। फर्स्ट पहले प्रायोरिटी तो है कि आपको यदि मोबाइल खो जाता है तो पहले तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके आप FIR दर्ज कराएं, और एक रिक्वेस्ट आईडी जो होती है वो आप अपने पास जरूर रखें ताकि कोई इंसिडेंट हो तो आपके ऊपर ना हो। तो आपका ये मोबाइल चोरी हो जाता है तो फर्स्ट तो आपको पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी होती है, ताकि आपका IMEI नंबर से थ्रू जरूर रखें। आपके फ़ोन में जो IMEI नंबर होते हैं ना, वो आप IMEI नंबर का यदि याद ना रहे तो आपको करना क्या है कि आप अपने फ़ोन का फ़ोटो खींच लें, IMEI नंबर *#06#, यदि आप फ़ोन में टाइप करेंगे तो आपका IMEI नंबर फ़ोन का आ जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए एडवाइस है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने ईमेल आईडी पे ही भेज दें, या अपने नज़दीकी फैमिली फ्रेंड में किसी को भी आप उनको भेज दें कि उनके ऊपर जिनके ऊपर आपके ट्रस्ट है। तो आपका यदि कभी फ़ोन खो जाता है या कोई दिक्कत आती है फ़ोन में तो आपके फ़ोन का IMEI नंबर के थ्रू ही कोई भी चीज़ रजिस्टर होती है गवर्नमेंट पोर्टल पर, या FIR रजिस्टर होंगी IMEI नंबर के अगेंस्ट ही, तो आपका IMEI नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसीलिए यदि आपका फ़ोन में IMEI नंबर आप ही आपके पास जानते हैं कि *#06# आप प्रेस करके पता कर सकते हैं IMEI नंबर, तो उसका स्क्रीनशॉट हो या लिख करके आप अपने मेल आईडी पे खुद के मेल आईडी पे भेज लें, और या किसी फ्रेंड या फैमिली के भी ईमेल आईडी पे जरूर भेज के रखें, ताकि आपको इनिशिएटिव या फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आपका यूज़ हो पाए। तो मैं बता रहा था कि आपका यदि फ़ोन खो जाता है या कोई चोरी हो जाता है तो आपको करना क्या है। फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के आपको FIR दर्ज करानी होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको CEIR.gov.in पे आपको जाने होते हैं, या यदि गूगल पे आप सर्च करेंगे ये साइट को तो आपको ये ऐसा बना हुआ आ जाएगा CEIR का। आपको ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक और स्टोलेन लॉस्ट मोबाइल, आपका यदि फ़ोन खो चुका है या चोरी हो चुका है उसके लिए कर सकते हैं। चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, यदि आपने रजिस्टर किया है तो आपका स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट के तरफ से क्या प्रोसेस किया गया है या क्या एक्शन लिया गया है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको करता हूँ कि फर्स्ट ये मैंने ब्लॉक या स्टोलन लॉस्ट मोबाइल पे क्लिक किया मैंने। तो इस तरह का जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का साइट खुल के आ जाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का है, CEIR, जैसा कि आपको मैंने बताया CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रर। यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर डाल करके IMEI नंबर डाल करके, जैसा मैंने बताया कि IMEI नंबर की ज़रूरत पड़ती ही है, डिवाइस का नाम, ब्रांड कौन सा था, मॉडल नंबर, जैसे आप देख सकते हैं यदि फ़ोटो है कोई आपके पास तो इनवॉइस हो, या फ़ोन का कोई भी फ़ोटो ज़रूरी नहीं इनवॉइस है, यदि इनवॉइस नहीं भी है तो आपको IMEI नंबर का भी स्क्रीनशॉट है तो वो भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। यदि आपके पास बिल नहीं है तो आपके पास सारे क्वेश्चन, या आपको एक रजिस्टर करना पड़ता है कि आपका कौन से डेट में कौन से टाइम पे आपका रजिस्टर हुआ है। यदि कोई पुलिस कंप्लेन नंबर आपने रजिस्टर किया है तो पुलिस कंप्लेन नंबर, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पुलिस कंप्लेन नंबर आपको रजिस्टर कराना होता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो वो आपको पुलिस कंप्लेन नंबर भी डालना पड़ेगा, उस जो पेपर होता है उसका फ़ोटो का आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये एड कंप्लेन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल आपकी भरनी होती है जो आपके नाम से हैं, आधार कार्ड या डिटेल आइडेंटिटी नंबर पे होता है जो आप अपलोड करेंगे कि आपका एड्रेस ही है, आपका ही फ़ोन था, तो वो आप अपलोड करके आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके गेट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप पूरा फिलअप कर देंगे तभी आपका गेट OTP हाईलाइटेड होगा, यहाँ पे क्लिक करके चेकबॉक्स बना हुआ है यहाँ पे टिक मार्क करके सबमिट करना होता है। तो ये तो रहा कि आपका फ़ोन यदि आपका खो गया या आपका चोरी हो गया तो आपके लिए यदि ये रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन है, बट यदि मिल जाए तो आपको करना क्या है, यदि मिल जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं CEIR सर्विसेज है। तो फर्स्ट है आपने रजिस्टर किया कंप्लेन तो उसका यहाँ पे चेक स्टेटस, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, आपके पास एक ना रिक्वेस्ट नंबर जो आपको जनरेट होता है, रिक्वेस्ट आईडी आप यहाँ डाल करके चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि यदि ये तो रिक्वेस्ट चेक करने के लिए है, यदि अनब्लॉक फाउंड, यदि आपका मोबाइल मिल चुका है, यदि खो गया था या कहीं आपका छूट गया था और बाद में आपको मालूम चल गया कि वो मोबाइल आपके पास मिल चुका है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको कुछ डिटेल भरनी पड़ती है जो गवर्नमेंट के साइट पे, जैसा कि आपको मैंने बताया कि IMEI नंबर से रिलेटेड या कोई भी चीज़ आपको भरना पड़ेगा, रिक्वेस्ट नंबर जो है, जो आपका रिक्वेस्ट नंबर था वो, आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो, और ये आपका टेक्स्ट मोबाइल नंबर जिस पे OTP जाएगा आपका वो सबमिट करना, ऑटोमेटिक आपका वो ब्लॉक जो मोबाइल नंबर होगा अनब्लॉक हो जाएगा फ्रेंड। तो ये इस तरह से आप पता कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल का जो चोरी हो चुका है या खो चुका है उसके लिए आप ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं नंबर को, फ़ोन को,
आप अपने रिक्वेस्ट आईएमई नंबर से फ़ोन को पूरी तरह से टोटली ब्लॉक्ड कर सकते हैं, ट्रेस करवा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत ही हेल्पफुल साइट्स है CEIR, जहाँ से आप अपने मोबाइल से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज मतलब जो चोरी हो गया या फ़ोन खो गया उसके रिलेटेड क्यूरीज आप रजिस्टर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा हो या आपको लग रहा है हेल्पफुल है तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।